नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड में लोक आस्था का महापर्व छठ व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही आज 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व का हुआ समापन। लोक आस्था का महापर्व छठ में छठ व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रखंड के सभी जगहों पर छठ व्रती सुबह से ही घाट पर पहुंच कर उदयीमान सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूर्य भगवान ने दर्शन दिया, उसके बाद अर्घ देने का सिलसिला शुरू हुआ। वे 4 दिवसीय महापर्व छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन नदियों और तालाबों के किनारे पानी में खड़े होकर उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ संपन्न हो गया। नहाए खाए के साथ शुरू हुए सूर्य उपासना के 4 दिवसीय इस महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ, जो आज सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ लोक आस्था का महान पर्व छठ संपन्न हो गया। युवाओं का जो जोश और जुनून और उत्साह, इसके वजह से ये मेहनत है युवाओं का और बहुत खूबसूरत घाट लग रहा है। ऐसा व्यवस्था मतलब हर एक बार छठ पर्व में रहता है, ऐसा व्यवस्था जो है मुझे लग रहा है कि इस तरह का व्यवस्था आपको शायद कहीं मिले तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये छठ घाट बहुत ही यूनिक, हमारे युवाओं का श्रेय जाता है इसके लिए और बहुत मेहनत है। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।